पंजाबी सिंगर एमी विर्क ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म बाजरे दा सट्टा पर जानकारी देते हुए कहा कि किस तरीके से एक सिंगर और एक्टर से प्रोड्यूसर बनना मुश्किल सफर है। आइए सुनिए। तो चलिए आइए मुलाकात कराती हूँ एमी विर्क जी के साथ। सो वेलकम टू न्यूज इंडिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी, बहुत बहुत प्यार जी आया हूँ, सत श्री अकाल साजनों। सो सबसे पहले मेरे आपके साथ यही सवाल है, आपने अपना करियर एक सिंगिंग के साथ स्टार्ट किया जी, सो उसके आगे आप आज प्रोड्यूसर हैं जी, सो हाउ वाज योर जर्नी एंड हाउ डिड यू जस्ट स्टार्टेड अप? बेसिकली आप किसी भी फील्ड में जाते हो ना, चाहे आप अगर आज मैं पुलिस की बात करता हूँ तो जैसे बंदा सबसे पहले सिपाही भर्ती होता है, उसके बाद हवलदार बनता है, फिर उसके बाद ASI इंस्पेक्टर SHO, फिर उसके बाद डिप्टी, फिर उसके बाद SP SSP IG है ना, DGP रिटायर होता है जी। तो हमारी लाइन में पहले सिंगल ट्रैक आया, उसके बाद एल्बम आई, उसके बाद दूसरी एल्बम आई, फिर एक करेक्टर किया एक फिल्म में, फिर उसके बाद सेकंड लीड किया, उसके बाद लीड किया, और उसके बाद बॉलीवुड में भी सेकंड पहले करेक्टर किया, फिर सेकंड लीड किया, अभी लकली एक आध फिल्म है जो लीड पे है। अच्छा। तो फिल्मों में भी ऐसा है, अगर आप फिल्मों में आते हो तो आप म्यूजिक कंपनी भी अपनी होती है आपकी, और उसके बाद आप प्रोड्यूसर भी खुद बन जाते हो। प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर बनने में वो वाला मसला नहीं है, हम पैसे लगाते हैं या कुछ होता है या हमारे पैसे होते हैं, उसमें क्या है, आप दिल लगा के फिल्म बनाते हो, मेहनत करते हो आप। एग्जैक्टली। तो अगर एक मतलब वो सर्टेन कोई कोई अलग है, अलग अलग बॉलीवुड में अलग है, यहाँ पे भी अलग है, अगर एक सर्टेन इतने पैसे फिल्म कमा जाती है तो उसमें भाई हमारा बनता हुआ हिस्सा दे देना, वो उसमें अगर नाम आ जाता है ऊपर, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मतलब अभी तक तो मेरा कला नाम ही आया है, पैसा वैसा तो इतना नहीं कभी किसी फिल्म ने कमाया, अभी उसमें से पैसा भी आया, लेकिन नाम आ जाता है प्रोड्यूसर में, अदरवाइज उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। So, जैसे ये आपकी जर्नी रही थोड़ी डिफिकल्ट, मतलब मिक्स टाइप की जर्नी रही? यानी बहुत लकीली आई एम ब्लेस्ड, अगर आप बोलते हो तो 99.99 मैं स्मूथ रहा हूँ, अगर कोई एक आध दिक्कत आती हो तो मतलब जिंदगी में भी आती है कोई मतलब मैं कहूँगा जो नॉर्मल जिंदगी बिल्कुल ही जैसे 9 to 5 जॉब वाले उसकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती है, छोटा मोटा लगा ही रहता है, हाँ, रहता ही, उसका मतलब वैसा नहीं है, वो होना भी चाहिए यू नो, अगर नहीं कुछ होगा तो आपको ऐसा लगेगा फिर तो तुम रब भी हो, फिर तो अगर कोई प्रॉब्लम है नहीं तो फिर तो कुछ सुख दुख का समझ ही नहीं आएगा। चाहिए चीजा आज सी साडे नाल एमी विर्क, इना दी न्यू मूवी बाजरे दा सट्टा लॉन्च हो रही है, सो प्लीज उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग न्यूज इंडिया। तब तक के लिए मैं हूं आपके साथ जगप्रीत गिरल।